शुरू अल्लाह का नाम लेगा जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है। जो बादशाह हकीकी है पाक है जबरदस्त है हिकमत वाला है। वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। और इससे पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे और उनमें से और लोगों की तरफ भी इनको भेजा है जो अभी इन मुसलमानों से नहीं मिले और वो गालिब है हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है अता फरमाता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया फिर उन्होंने उसके हामिल होने का हक अदा न किया उनकी मिसाल गधे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों। जो लोग अल्लाह की आयतों की तकजीब करते हैं उनकी मिसाल बुरी है और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कह दो कि ऐ यहूद अगर तुमको यह दावा हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और दूसरे लोग नहीं तो अगर तुम सच्चे हो तो जरा मौत की आरजू तो करो। और ये लोग उन आमाल के सबब जो ये कर चुके हैं हरगिज उसकी आरजू नहीं करेंगे और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। कह दो कि मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। मोमिनो जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख तर्क कर दो अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के हां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है।